सो हेलो जनता पार्टी, क्या हाल चाल? मजे में? तो अभी क्या मैं फ्री बैठा था, कब अभी 2-3 दिन पहले हम क्या सोच रहे हैं कि एक आरसी ट्रक बनाया जाए। आरसी ट्रक आपने देखे होंगे, स्कैनिया मेंस इन सब की, ठीक है? तो वही बनाने की सोच रहे हैं हम। तो मतलब मेरे मामा, तो हमारे घर में क्या था, एक प्रिंटर पड़ा हुआ था एच बिल्डर्स का पुराना। तो अब आज मैं आपको बताऊँगा कि हमने उसके साथ क्या किया है, उसमें से सामान क्या क्या मिला है, ठीक है? मतलब क्योंकि इनमें गियर वगैरह मिल जाएंगे, ऐसे मोटर वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिली। तो वही मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या रहा, ठीक है? तुम देख सकते हो, ये रहा HP का वो प्रिंटर। ये अब मैं जब 5 साल नहीं दिखाऊंगा, इसका हमने क्या किया, ऑपरेशन किया इस HP के प्रिंटर का, ठीक है? तो इसमें जैसे कि मैं तुम्हें बता दूँ, जैसे तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए, अगर तुम्हारे घर भी ऐसा प्रिंटर पड़ा हो ना, तो बहुत काम की चीज़ है। इसमें अपन है ना Arduino से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वही चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है, कि अपन इसे कैसे ओपन कर पाएंगे। इसे ओपन करना बहुत आसान है, 3-4 ऐसे हुक होते हैं इसमें, ये लोग आप जानते होंगे ना, इसमें ऐसे वाले लोग होते हैं, ये वाले ऐसे लोग होते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग जगह पर, ठीक है? देखो अभी इसमें एक स्पीकर, कुछ ये भी काम की चीज़ है अपने। ये क्या है, स्पीकर है 5 वोल्ट स्पीकर, ठीक है? और तो मैं बता दूँ ये कितने वोल्ट चलता है, ये चलता है 31 वोल्ट से, ठीक है? आप सोचते होगे ना कि 220 वोल्ट से चलता है, हाँ मतलब वो सप्लाई तक ही लेता है, पर अंदर जो मशीन चलती है ना वो 31 वोल्ट से चलती है, ठीक है? और इसमें बता दूँ ये ऊपर का कवर है, अलग अलग कर दिया एकदम पीस पीस। ये इसका स्कैनर था, ठीक है? इसके अंदर वो रोड होती है ना, आपने देखी हुई चलती चलती, वो भी बताऊंगा। उसका मैंने Arduino से मस्त खिलौना बनाया है, वो भी बताऊंगा, ठीक है? इसमें भी कुछ नहीं था, स्कैनर था बस, और कुछ नहीं था। और हाँ, स्कैनर अकेला था, और उसमें एक आध मोटर थी। हाँ, इसमें एक इधर अंदर एक मोटर थी, सर्वो मोटर जिसे बोल सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। ऐसी ये वाली मोटर थी, ये होती है सर्वो मोटर, ये एक बार ऐसे जाएगी एक बार ऐसे जाएगी, ऐसे चलते वो, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं चलती, इसका एक वो मॉड्यूल आता है उससे चलती है, ठीक है? ये थी अपने प्रिंटर की मेन बॉडी, ठीक है? सोच रहा हूँ कब मैं चाहूँगा इसको, देख ही सकते हो पूरी खोल दी हमने बहुत। इसमें अलग अलग सेंसर थे, ठीक है? ये रहा वैरायटी वैरायटी के सेंसर। अब मैं तुम सोचोगे मैं अच्छे से बैठ गया, अब बैठ के मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, है? अब खिलौना तो है नहीं वो, क्या अपन बैठ के उसे बताओ। पर एक बार से क्या मैं असेंबल कर देता, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उसको दिया हूँ। देखो पास से, देखो पास से तुम बोल लोगे इसको हमने ऑपरेशन कर दिया। वन मिनट गाइस, आपको तो लग नहीं रहा पर तुम देख लो, ऐसे नहीं लग रहा ना, इसमें बहुत सी चीज़ें मिली है, ठीक है? इसमें ये डिस्प्ले भी है, ये अगर किसी काम में आए वो यूज़ कर सकता है। बस ये ऐसी है, इन ये प्रिंटर के अकॉर्डिंग बनी है, तो ये प्रिंटर के फंक्शन होंगे इसमें। और थोड़ी अब अपन इसके बाद अपन बात करें इसमें क्या क्या होता। इसमें अलग अलग ऐसे तुम्हें खिलौने से मिल जाएंगे, देख रहे हो ऐसे, अगर तुम्हें कहीं लगाने हो, ठीक है? और दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी प्लास्टिक मिलेगी। अब चलो टेबल पर चलते हैं अपन, ठीक है? टेबल पे देखोगे तो इसमें ऐसी मोटर मिलती हैं 3 ऐसी मस्त। अगर आपके पास पुराना ऐसा प्रिंटर या स्कैनर हो ना, उसमें बहुत सारे ऐसे आपकी काम की चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहो तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बता दूँ ऐसे अलग अलग वैरायटी गियर बोल्ट ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक ये सर्व मतलब 2 सर्वो मिलती हैं, इसमें 5 या 6 के समथिंग मोटर रहती हैं, 3 बड़ी 2 सर्वो, हाँ 5 मोटर रहती हैं। उसके बाद मस्त एकदम ऐसे लोहे की एकदम स्ट्रेट आपको वो मिल जाएंगी रोड, ठीक है? जिनका आप कुछ भी यूज कर सकते हो,
जैसे 3D प्रिंटर वगैरह हम देखा होगा ना आपने, इसके ऊपर मोटर चलती है, तो आप 3D प्रिंटर में यूज कर सकते हो। और भी ऐसी 3-4 रोड निकलती हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद बात करें, ये होती है इसकी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कैसे, यहाँ पे आप पिन लगाओगे, यहाँ से जाता है ये करंट, इस इधर से होते हुए ये पावर सप्लाई होती है। इस क्या बोलते हैं, सप्लाई, जान लो। ये क्या कहता है, 200 वोल्ट मतलब 200 से 220 वोल्ट रहता है, उसको कन्वर्ट कर देता है 31 वोल्ट में। अब 31 वोल्ट कैसे पता चलेगी, अगर आपको दिख जाए, मेरा कैमरा दिखा दे तो, वो ये देख रहा है 31 वोल्ट, ये होता है 30 वोल्ट आउटपुट देता है ये, ठीक है। उससे ये चलता है। उसके बाद बता दूँ इसमें क्या कनेक्ट होता है, और दूसरा चलें, ये इसकी मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड बोल दो या इसका चिप सेट होता है। इसमें ये रही मेन चिप, ठीक है, जो जापान की बनी हुई है, मेड इन जापान। और ये इसमें अलग अलग पिंस होती है, ठीक है, आउटपुट के लिए, ये एसडी कार्ड कराएगा। और इसमें ये यूएसबी केबल होती है, ठीक है, और ये कैपेसिटर होते हैं। अगर आपके ये काम के हों, किसी प्रोजेक्ट में लग रहे हो, कैपेसिटर वैसे लग जाते हैं, ठीक है, तो आप इनके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये होगा, आप क्या करें, हाँ। और इसके बाद आपको बता देता हूँ इसकी मेन चीज़, खतरनाक चीज़ क्या होता है, ये कार्टेज है ना, कलर प्रिंट रहता है, मतलब प्रिंटर स्कैनर सब था, ठीक है। तो ये कलर था, तो इसमें लग जाते हैं हमारे कलर के, ऐसे चार लगते थे डिब्बे जैसे। उसके बाद ये पाइप हैं, अगर आप कभी जेसीबी बना रहे हो तो आप जेसीबी के लिए इसमें से मस्त पाइप मिल जाएंगे, ठीक है। ये पाइप हैं चार कलर के, और बता दूँ कुछ तेरी हाथ काले हो जाए। ये है, ये गाइस देखो, ये वो मेन थिंग जिससे आपकी प्रिंटिंग होती है। कैसे होती है, इसमें से कलर आता है, इसमें पाइप रहते हैं अलग अलग, ठीक है। अगर आप चाहो कमेंट कर देना तो मैं आपको इसके अंदर भी खोल के बताऊँगा इसके अंदर क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। मुझे तो पता है, अगर आपको जानना हो तो बोल देना, ठीक है। तो इसमें मस्त कलर आता है, ठीक है। यही होता है चिपसेट जो आपका मेंटेन करता है कहाँ पे कितना कलर करना है, ठीक है। ये हो गया, मतलब जो भी आपको प्रिंटर कार्टेज बोल दो, इसे हेडर बोल दो, ठीक है, यही होता है मेन। और कहाँ चले, और कुछ बचा है क्या आप लोगों के लिए, उपजाव देख रहा हूँ, नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो यही सारी चीज़ें थी जो इसमें निकलती हैं। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, कहाँ गई, ये देखो, ये होता है स्कैनर, ठीक है। तो इसकी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी तक के लिए यही छोड़ देता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा इसके रिगार्डिंग। ये स्कैनर होता है जो कि फोटो डायोड के साथ काम करता है, ठीक है। तो हाँ, अभी के लिए इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना अगर आपको इसका भी ओपनिंग चाहिए हो। अब क्या करें, टेक्निकल में कुछ, टेक्निकल भी आता है अपन, गेमिंग टेक ये मैक सब आता है। अगर आप चाहो तो अपन अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, उसमें टेक मैक सब डाल दिया करूँगा। और मैं वैसे भी डाटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो अगर आपको कोडिंग सीखना हो तो कमेंट करके बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।